अभी कल ही पूरे मध्य प्रदेश में राज्य का स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। स्थापना दिवस के इस मौके पर सरकारी संस्थाओं में अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से खुशहाल और समृद्ध मध्य प्रदेश की कामना भी की गई। लेकिन सतना जिले की कहानी इसके उलट तस्वीरें पेश करती हैं। दरअसल सतना स्थित महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के दिन बच्चों को मिलने वाला मिड डे मील खाना इतना घटिया और बदबूदार देने वाला परोसा गया, जिसके बाद ना तो किसी बच्चे ने इसे खाया और ना ही किसी स्टाफ द्वारा इसे चखा गया। वहीं इस मामले में शिक्षकों ने स्व सहायता समूह पर आरोप लगाते हुए इसे हमेशा की कहानी बताया। साथ ही कहा कि राजनीतिक रसूख के चलते इन एनजीओ पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। वहीं इस मामले में अधिकारी और जनप्रतिनिधि हमेशा की तरह जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा देते नजर आए। यहाँ के खाने में एकदम पानी रहता है, एक दिन नमक भी नहीं था, दिन आए हम लोग खाना नहीं खाते, फेंका जाता है। एक दिन बहुत बड़ा वो था कीड़ा, यहाँ पे नमक भी बिल्कुल नहीं रहता, कंकड़ रहते हैं, किसी किसी दिन सड़ा हुआ खाना आता है, पेट दर्द करता है, सब लोग बीमार पड़ जाते हैं। कच्चा चावल आता है, एकदम गीला आता है, और सब्जी एकदम पानी, कुछ आलू आलू कुछ जनाई ही नहीं देता है। आज क्या किया आप लोगों ने खाने? पूरा खाना फेंका गया है, एकदम पानी की तरह सब्जी थी। आज अति वेदना का विषय है कि जहां मध्य प्रदेश की सरकार पूरे प्रदेश में मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस के अवसर पर उत्सव मना रही है, कार्यक्रम आयोजन हो रहे हैं, वहाँ आज हमारे बच्चे भूखे हैं। अति वेदना से ग्रसित होकर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरह की मध्याह्न भोजन में जो अव्यवस्था हमारे नगर निगम क्षेत्र में और पूरे संपूर्ण जिले में चल रही है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इन नौनिहालों के निवाले के साथ जो खिलवाड़ ये लोग अपने फायदे के लिए और अपने मुनाफे के लिए भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ये निश्चित तौर पर मेरी दृष्टिकोण से इंसान नहीं है, मानव नहीं है, हैवान है कि ये गरीब बच्चों के साथ इस तरह का खिलवाड़ इनके द्वारा किया जा रहा है। अभी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है तो जो प्रभारी MDM के वहाँ तत्काल पहुँच रहे हैं, उसमें जाँच करके कार्रवाई की जाएगी।